Okay, so today, now, in the next class, next topic, अब हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट इश्यू पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इश्यू हमारा क्या है? अभी तक हमने क्या क्या देखा इन पॉक्सो? व्हाट ऑल वी डिड इन पॉक्सो? थोड़ा सा हमने हिस्टोरिकल देखा, बैकग्राउंड हिस्टोरिकल देखने के बाद एक दो हमने लैंडमार्क केसेस जो बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं वो करे, ठीक है? ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकल हुआ, ये हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, हमने पनिशमेंट्स देखी, देन सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, ये सब क्या होता है वो सब देखा, ठीक है? देन पोर्नोग्राफी वाला पोर्शन आई टोल्ड यू इन द क्लास कि एक बार आप पढ़ना उसको, ठीक है? एक बार उसको आप पढ़ना, अबेटमेंट एंड पोर्नोग्राफी का, बट उसको भी हम डील करेंगे। आफ्टर दैट, उस आफ्टर दैट व्हाट वी डिड इज चैप्टर नंबर 5 की रिपोर्ट कैसे होता है। तो अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि रिपोर्ट कैसे होता है, तो आपको 19, 20, 21, 22, 23, 19 से 23 पूरा लिखना है, राइट? 19 को आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, बस आपको डिटेलिंग में लिखना है। 20 से 23 यू शुड नो लाइक दिस। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी कराई, तो वो प्रॉब्लम भी आपको उस तरह से बतानी चाहिए कि वो आपको एमसीक्यू में भी आ सकती है, वैसे भी आ सकती है। तो इतना हो गया, इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, खुद आप सोचो, जब आप सीआरपीसी पढ़ते हो तो पहले आप इंफॉर्मेशन देते हो 154 में, है ना? जब आप सीआरपीसी पढ़ते हो पहले आप इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक? इंफॉर्मेशन देने के बाद आफ्टर दैट व्हाट यू डिड इज पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो सब रिकॉर्डिंग करता है, उसके बाद मैजिस्ट्रेट करता है। आफ्टर दैट मैजिस्ट्रेट विल डू। क्लियर, इतना किया है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज योर प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो यहां पर किस प्रोसीजर की बात कर रहा है ये? 24 से लेकर 27 में बात कर रहा है, जो कि है योर पुलिस ऑफिसर जो रिकॉर्ड कर, नॉट द मैजिस्ट्रेट, नॉट द मैजिस्ट्रेट बट द पुलिस ऑफिसर। सो लेट्स सी, 24 की पॉइंट्स लिखूंगी मैं, 25, 26 एंड 27। देखो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे पूरा बैरक आप नहीं रख सकते, बट की पॉइंट्स अगर आपने याद रख लिया और उसके अनुसार आपने आंसर कर लिया क्रैक, वेल एंड गुड, ठीक? 24 की जो एक चाइल्ड का जो स्टेटमेंट है ना, क्योंकि अब चाइल्ड है वो डर जाता है, 24 बोल रहा है वो डर जाता है, तो वो ऐसी जगह पे होगा जो बेसिकली हो सकता है उसका रेजिडेंस, निवास घर हो, ठीक है, जो साधारणात्मक हो, मींस कन्वीनियंट प्लेस, ठीक है, जो चाइल्ड को कन्वीनियंट लगे वहां पर चाइल्ड की जो है रिकॉर्डिंग होगी। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, वेयर, तो आप लिख लेंगे द कन्वीनियंट साधारणात्मक जगह निवास। उसके बाद कौन करेगा, हु, पहली बात तो है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, विमेन पुलिस ऑफिसर करेगा। और साथ ही आप यहां पर एक चीज ये भी लिखेगा, दिस दीज प्रोविजंस आर इन कॉन्सोनेंस विद सीआरपीसी। सीआरपीसी में देखोगे वहां पर भी यही सब चीजें बता रखी है ना, ऐसे ही बता रखा है, बता रखा है, ठीक? ठीक है, तो वो हो गया सीआरपीसी का वो वाला एरिया भी हो गया। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट ये क्या बोलते हैं, विमेन पुलिस ऑफिसर करेगी, उसकी रैंक क्या, कितनी रैंक तक की, कितनी पोजीशन तक की, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, दैट इज 24 का पार्ट 1। अब जो पुलिस ऑफिसर जब रिकॉर्ड कर रहा है स्टेटमेंट, वो यूनिफॉर्म में नहीं होगा, वो अपनी पोशाक में, वो अपनी वर्दी में नहीं होगा। अच्छा, इसका रीजन क्या है आप अपने आंसर में लिखेंगे, मतलब आपको पता होना चाहिए रीजन बिहाइंड इज दैट। देखो ऐसा कुछ देख के ना, अगर हम भी होते हैं, पुलिस आती है, बच्चे को क्या बोलते हैं, देखो पुलिस आ रही, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसे बोलते हैं, टीचर आ रही, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बिकॉज ये एक कुछ ऐसे करेक्टर्स है जिनको देख के बच्चे डर जाते हैं, और हमें डराना नहीं है, बिकॉज अगर एक डराने वाला इंसान कुछ पूछेगा तो डर में शायद चाइल्ड कुछ ना बोले, या बोले तो कुछ और बोल दे जो एक्चुअल है वो ना बोले, ठीक है, राइट? तो ये हो गया। आफ्टर दैट देखते हैं क्लॉज 3 की
पुलिस ऑफिसर जब अन्वेषण कर रहा है, जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो यहाँ पे ये इंश्योर करेगा कि किसी भी पॉइंट पर जो अभियुक्त है, जो एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में, ठीक है, डायरेक्ट सूचना में, कम्युनिकेशन में ना आए. बिकॉज जो किसी ने अगर रेप किया है किसी के साथ, उसके बाद अगर वो सामने दोबारा आ जाता है ना, तो बहुत डर लगता है. ठीक है, उस इंसान से बहुत डर लगता है. आफ्टर दैट चलते हैं कि पुलिस स्टेशन एंड ऑल, मतलब चाइल्ड के साथ काम रात में ना कराया जाए. ठीक है, एंड अगेन पब्लिक मीडिया, लोक मीडिया से उनकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाए. तो जब आप ये पॉइंट भी मेंशन करते हैं, तो डू राइट निपुण सक्सेना केस, तो ये सब चीजें हैं, ये आप लिखेंगे. ठीक है, दैट इज 24. आफ्टर दैट लेट्स मूव टुवर्ड्स 25 सेज कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मैजिस्ट्रेट. अब सीआरपीसी की तरह ही चल रहे हैं, बिल्कुल सीआरपीसी की तरह चल रहे हैं. सीआरपीसी में हमने कैसे देखा था, व्हाट वी डिड इन सीआरपीसी, दैट वेयर 154 ऑनवर्ड्स की 161 में पुलिस ऑफिसर बयान लेता है, देन मैजिस्ट्रेट कब लेता है, 164 में लेता है. तो यहां पर भी सेम यही है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो बयान लेगा 164 में. लिया, ठीक है. अब बयान लेने के बाद क्लॉज टू देखो, वो क्या बोल रहा है, मैजिस्ट्रेट चाइल्ड को, साथ ही में उसके पेरेंट्स को भी, दोनों को जो भी बयान लिए गए हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, कॉपीज प्रोवाइड, जैसे कि आप अगर देखते हैं सीआरपीसी में 207 क्या बोलता है, 207-8-9 जो है सीआरपीसी के, वो काइंड ऑफ क्या है, 207 में 8 और 9 में दिस से कि सारी कॉपीज, चाहे वो केस जो है वारंट केसेस हैं, या वो चाहे पुलिस एफआईआर केसेस है, विदाउट एफआईआर केसेस है, कंप्लेंट केसेस है, इन सब में हमें जो है सारी कॉपीज जो है प्रोवाइड करनी है. सो दे से दिस कि जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण 173 तक पूरा नहीं हो जाता, जब वो पूरा हो गया, इस दौरान जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज थे, चाहे वो एफआईआर 154 का हो, चाहे वो 161 में जो बयान है उसके हो, चाहे 164 के बयान के हो, चाहे 167 के हो, किसी के भी, कोई भी बयान के जो भी दस्तावेज, जो भी प्रतियां, कॉपी हैं, वो सब प्रोवाइड की जाएंगी चाइल्ड को भी और उसके पेरेंट्स को भी. तो ये किसका ड्यूटी है, ये मैजिस्ट्रेट का ड्यूटी है. ठीक है, तो 24 में हमने पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी देखी, 25 में हमने मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी देखी, एंड लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स 26 जो कि यहाँ पे बात करता है कुछ अतिरिक्त प्रावधानों की. अब वो जो अतिरिक्त प्रावधान है वो 24 में भी ध्यान देंगे, 25 में भी. अगर कुछ आपका फॉर एग्जाम्पल मेंस का क्वेश्चन है, मतलब रिटन सब्सटैंटिव क्वेश्चन है, तो इन दैट एरिया आप क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर अगर पूछा है तो 24 के साथ 25 भी डालो, 26 भी डालो ही डालो, जितना रिलेट करोगे उतना आंसर बढ़िया होगा, ध्यान रखना. ठीक है, उसके साथ साथ 25 पूछा है तो 25 के साथ, बिकॉज आपसे मेंस क्वेश्चन में या तो पुलिस ऑफिसर का पूछेंगे या मैजिस्ट्रेट का पूछेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना 24 को भी 26 से रेड विद करना एंड 25 को भी 26 से करना. क्लियर. अब इसमें क्या क्या है, इसमें देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि चाहे मैजिस्ट्रेट हो चाहे पुलिस ऑफिसर हो, जब भी वो जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जब भी वो जो स्टेटमेंट है उसको क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो ये चीज निश्चित करेगा कि जब भी चाइल्ड की रिकॉर्डिंग हो रही है, उनके सामने कौन विद्यमान हो, उसके माता पिता उसकी प्रेजेंस में हो. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज क्यों, द थिंग इज कि उसको ना चाइल्ड को थोड़ा सा सपोर्ट, सहारा मिले. अगर पेरेंट्स किसी भी कारणवश अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो वो पर्सन हो जिस पर चाइल्ड जो है विश्वास रखता हो, ठीक है, विश्वास रखता हो या फिर भरोसा रखता हो, आइदर ऑफ द थिंग्स. तो ये पॉइंट दोनों के लिए, पुलिस ऑफिसर के लिए भी है, मैजिस्ट्रेट, दैट इज व्हाई आई सेड कि 24 को भी 26 से रिलेट करेंगे एंड 25 को भी 26 से करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. अब दोनों ही, पुलिस ऑफिसर भी और मैजिस्ट्रेट भी, किसी भी दौरान अगर उनको लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी द्विभाषीय है ना ट्रांसलेटर, बिकॉज कभी मान लो
लैंग्वेज कुछ और है, चाइल्ड नहीं समझता है, द्विभाषी या इंटरप्रेटर की जो है हेल्प ले सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ क्लॉज थ्री क्या बोलता है, इसी का ही क्लॉज थ्री ये बोलता है दैट मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, ठीक है, अगर जो चाइल्ड है वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कैसे भी डिसेबल्ड है, ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे मेंटली मतलब कि कोई ना कोई मेंटल बीमारी है, फिजिकली शरीर अंग किसी को ये काम नहीं करता, तो यहां पर भी आप किसी ना किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं. हेयर ऑल्सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट. एंड लास्ट स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो शैल लिखा हुआ है. आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है दैट कहाँ पे शैल है कहाँ पे नहीं है. जो अब आप 26 का क्लॉज 1 देखते हो वहां पे शैल है, तो दैट मीन्स शैल पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट जब भी रिकॉर्ड करोगे पेरेंट्स की प्रेजेंस से करना ही करना है, दैट इज शैल. बट ये दोनों क्लॉज जो है नॉट मैंडेटरी, सो बट इट इज रिक्वायर्ड. लास्ट बोलते हैं, लास्ट बोलता है कि जब भी रिकॉर्डिंग होगी तो दोनों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक श्वेत दृश्य दोनों ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में हो, दैट इज ऑल्सो शैल. अब शैल और मे लिखने का मतलब क्या है, मे शैल इसका मतलब है अगर इसको और इसको फुलफिल नहीं किया गया तो जो ट्रायल है वो विशिएट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, विशिएट, ठीक, और यहां पे नहीं होगा, मे में नहीं होगा. तो दैट इज ऑल टिल 26. 27 इज योर मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट. सो अब आप देखिएगा, इट वॉज काइंड ऑफ अ डेमो क्लास, ठीक है, नॉट डेमो, इट इज एक्चुअली हम क्लास में कैसे पढ़ते हैं. सो अगर आपको ये चीज हेल्पफुल लग रही है, कुछ भी लग रहा है, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. आप टारगेट फॉर आईक्यू पर जाके डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर गिवन है उस पर कॉल करके राजस्थान एपीयू क्लासेस जो है यू कैन डू ज्वाइन. दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन.